नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं मन की बात, और मन की बात कार्यक्रम में आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होती है ताकि उनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लोगों की समस्याएं क्या कुछ हैं वो देख लेते हैं। चलिए अब आपको सबसे पहले लिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली से दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। आपको बताते चलें कि एमसीडी पूरी तरह से एक्शन मोड में देखी गई, जहां अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाया गया। और आम लोगों का वहां पर ये कहना था कि पिछले 35 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, तब किसी ने भी ये मामला नहीं उठाया है। सिर्फ दो समुदायों के बीच यहाँ पर हिंसा हुई है, उसके बाद इस मामले को उठाया गया। लेकिन क्या कुछ कहना था आम जनता का, देखिए। देखिए, ये जो एमसीडी की तरफ से जो अहम फैसला लिया गया है, सारी चीज़ों को एनालिसिस करके जो ये फैसला लिया गया है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। जो अवैध चीज़ें हैं, जो गलत तरीके से जो चीज़ें तैयार की गई हैं, उन पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा दिल्ली के जहांगीरपुरी में नहीं, पूरे देश में जो भी अवैध रूप से जो चीज़ें मकान दुकान तैयार हुए हैं, वो सभी कहीं ना कहीं ध्वस्त होने चाहिए, क्योंकि अवैध चीज़ें देखो हमेशा ही गलत होती है। मैं यही चाहूँगा कि सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने बहुत अच्छा फैसला था कि जो भी अवैध निर्माण हुए हैं इस दिल्ली क्षेत्र में, वो चाहे कहीं भी हैं, जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उनको तो तोड़ना ही चाहिए। और इसी के साथ ये एमसीडी का अच्छा फैसला था। ये जो आज जहांगीरपुरी में हुआ है, क्या ये अवैध रूप से जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करा गया था, तोड़ा गया है, ये तोड़ने के लिए अगर तोड़ना चाहता तो पूरे इंडिया में, दिल्ली में जहाँ पर भी अवैध ये हर जगह तोड़ा जाए, नहीं तो उनको वहीं रहने दिया जाता। ना कोई नोटिस ना कुछ, सीधा डायरेक्ट आके तोड़ दिया गया, ये गलत है। जहाँ पर भी मतलब ये अवैध चीज़ें बनाई गई हैं वहाँ पहले नोटिस दिया जाए। बहुत ही जगह हैं दिल्ली में, या तो सब्जी का वो तोड़ा जाए, वहाँ जहांगीरपुरी में ही क्यों तोड़ा गया, हर जगह तोड़नी चाहिए चीज़ें। कोई ज़रूरी थोड़ी जहांगीरपुरी में हिंसा, मतलब ये सरकार के साथ हम सहमत नहीं इस बात से कि जो मतलब एक ही जगह करा गया, हर जगह करा जाए। जब जहाँ पर भी मतलब एमसीडी ने या कहीं भी जिनने भी कब्जा कर रखा सरकारी ज़मीनों पर, सब्जी की ज़मीन हटाई जाइए जानी चाहिए, एक ही जगह क्यों हुई है। कोई भी महकमा हो, चाहे वो आपका एमसीडी हो, चाहे वो आपका ईडीएमसी है, कोई भी हो, जहां भी इनकी गवर्नमेंट ज़मीनें होंगी, जहां कब्जा किया जा रहा होगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी इलाका हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, गवर्नमेंट की ज़मीन गवर्नमेंट जब तक उनको छोड़ रखा है वो जब तक ही रह सकते हैं। पर गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को लेके कभी भी अवैध निर्माण को तोड़ सकते हैं। तो ये कार्य कोई ऑब्जेक्शन के लायक नहीं है, जो कार्य है वो सही है, और अवैध निर्माण जो है वो टूटने भी चाहिए। हमें जहाँ जहाँ जो चीज़ गवर्नमेंट ने पहले से नियुक्त कर रखी है कि ये चीज़ बननी चाहिए, जैसे कि पार्क हुए, जैसे कि आपका हॉस्पिटल हुआ, जैसे कि आपका बच्चों के लिए कोई भी चीज़ स्टेडियम वगैरह हुआ, उस जगह पे कोई भी अवैध मकान बनते हैं तो वो तो टूटने का संभाविक है। उस पर कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी किसी प्रकार का निरीक्षण या कोई भी रोक टोक करनी बेकार है। गवर्नमेंट कार्य में किसी को रोक टोक नहीं करनी चाहिए, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और अवैध कार्य ही टूटने चाहिए, चाहे वो अवैध मकान कहीं भी बन रहे हों, दिल्ली में किसी क्षेत्र में बन रहे हों, चाहे वो किसी जगह हों। चलिए अब आपको नोएडा लिए चलते हैं, और नोएडा से भी दिखा देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से एक्शन मोड में देखी गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर जो लाउडस्पीकर बज रहे हैं उन पर रोक लगाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मंदिरों पर लाउडस्पीकर को लेकर और मस्जिदों के अंदर भी जो लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं उन पर रोक लगाने की बात कही गई। लेकिन इस बीच में आम जनता क्या कुछ अपनी राय दे रही है, देखिए। सर, ये फैसला सरकार का काफ़ी ठीक है, क्योंकि सबका धर्म अपनी अपनी जगह पर है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। क्योंकि जो हमारे क्या नाम है, ये मंदिरों पे मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकरों में अजान और जो भजन चलते हैं ना, वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में होते हैं। अगर हम कहीं देखें कहीं हमारे कोई प्रोग्राम चल रहा है, चाहे कुछ भी है, भजन या कीर्तन, तो हम उसको इतना रखें जो अपने तक सीमित रहे, जो बाकी के लोग हैं वो परेशान न हो, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, कुछ बीमार लोग भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, चाहे वो मस्जिद पे हो रहा है या मंदिर पे हो रहा है। जी, जो लाउड स्पीकर को जो नोटिस दिया गया है मंदिरों और मस्जिदों पे, जिस तरह की मस्जिदों पे अजान के टाइम ये जब बजाए जाते हैं और मंदिरों में हनुमान चालीसा करते समय बजाया जाता है, तो ये लाउड स्पीकर जो नोटिस दिया गया कि नहीं बजाया जाए, तो ये अगर पूरी तरह से अगर किया है तो ये तो गलत है कि पूरी तरह से इनको बंद कर दिया जाए।
लाउड स्पीकर को जिस तरह के अगर नोटिस दिया गया है कि धीमी आवाज़ में किया जाए तो वो बहुत अच्छा एक निर्णय है, क्योंकि ये निर्णय अच्छा इसलिए है क्योंकि देश के जो जनता जैसे हिंदू मुस्लिम हो गए, इनकी जो मानसिकता हो गई बड़ी गंदी हो गई है। ना ही मुस्लिम हिंदुओं के भजन को सुनना चाहती है और ना हिंदू मुस्लिम के अजानों को सुनना चाहती है। तो जब आपस में समाज के लोग ही सही तरीके से रहना नहीं चाहते तो समाज को हमारे देश के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है और देश के सरकार को, उनको मजबूरन ये फैसला लेना पड़ रहा है कि मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो कम और धीमी आवाज़ में हो, ताकि सीमित स्थान को और क्षेत्र को कवर कर सके, ताकि उनके लोगों तक ही पहुंच सके, अन्य लोगों अन्य समाज के लोगों तक ना पहुंच पाए। जैसा हमारे योगी जी ने अभी एक आदेश करा है कि आप अपने ना तो मंदिर ना मस्जिदों पे आप ये लाउड स्पीकर वगैरह ना वो करें, तो ये सही फैसला है कि हमें अगर पूजा करनी है तो हम लाउड स्पीकर पे ही नहीं करेंगे, या हमें नमाज पढ़नी है तो लाउड स्पीकर पे जो है अपने घर में करें, कि ऐसा नहीं कि शोर करके करना है कि मंदिरों पे भी है और उस पे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारी मंदिरों से कभी इतनी आवाज़ नहीं निकलती जितनी मस्जिद में जब नमाज होती है जब निकलती है, क्योंकि ये उससे काफ़ी वो होता है, सुबह 5 बजे आदमी परेशान होते हैं इस चीज़ों की। यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो है शांतिपूर्वक करें हर चीज़। चलिए अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं और उत्तराखंड में आपको दिखा देते हैं कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बताते चलें कि यहां पर वेरिफिकेशन कराने की बात सामने रखी गई है। पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग चार धाम यात्रा पर यहाँ पर पहुंचेंगे, जो अपना सत्यापन कराएंगे, उन्हें ही परमिशन मिलेगी। लेकिन क्या कुछ कहना है इस पर आम जनता का, देखिए। ये हमारे धामी जी ने जो भी आदेश पारित किया है बहुत ही अच्छा किया, ये काम तो उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। और इस चीज़ में चार धाम यात्रा में वेरिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है और हम इनके आदेश का स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्या हमारे देशवासियों को, हमारे उत्तराखंड के वासियों को, वासियों की उनकी बहुत चिंता है। ये सब चीज़ें पहले से ही देखनी चाहिए और हमारी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, जनता की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये उत्तराखंड सरकार ने जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उन्होंने एक मतलब चार धाम यात्रा जो शुरू की, एक बार शुरू हुई थी, लेकिन चारों सड़क बन जाने से यात्रा पे दबाव पड़ेगा। जो दबाव पड़ेगा तो यानी कि फिर भीड़ भाड़ भी होगी, तो ऐसे में कुछ तो वाकई में श्रद्धालु होंगे, कुछ लोग इसको व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, तो ये कि बड़ा आगे जाके ये यात्रा जो है काफ़ी लोग इसमें शामिल होंगे, तो इसमें वेरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ ये कदम बहुत ही अच्छा है कि अमरनाथ की तर्ज पे जो है हर श्रद्धालु का वेरिफिकेशन होना चाहिए। कल को मान लो कोई घटना या दुर्घटना होती है तो कम से कम कल को वो मुआवजे के हकदार है। दूसरी बात ये है कि कुछ जो संदिग्ध लोग हैं वो उसमें अड़ंगा ना डालें या कोई अपनी चाल ना चलें, तो इसलिए वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चार धाम यात्रा हो या कोई यात्रा हो या ऐसी जहाँ भी कोई बड़ी गैदरिंग हो रही हो, तो निश्चित रूप से उसमें कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। और वेरिफिकेशन की जहाँ तक बात है, तो एक ऐसा वास्तव में एक चैनल बनाना चाहिए कि जिससे हम सभी लोगों का वेरिफिकेशन कर सकें, क्योंकि उससे दो फायदे होंगे। एक तो हम उस यात्रा को व्यवस्थित चला सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कब कितनी संख्या मेरे पास हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई असहज स्थिति पैदा होने पे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री धामी द्वारा जो वेरिफिकेशन करने का प्रावधान किया गया है वो काफ़ी सराहनीय कदम है, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इस पर कुछ जो मान लीजिए संदिग्ध व्यक्ति अगर प्रवेश कर जाते हैं तो नहीं हो पाएगा। जैसे आजकल मान लीजिए आतंकवादी घटनाएँ होती रहती हैं, तो यह इसकी भी निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। या मान लीजिए कभी मौसम ख़राब हो जाते हैं और उसमें कि कितने हमारे यात्री उस धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम एक डाटा सरकार के पास उपलब्ध रहेगा। तो मान लीजिए कोई कैजुअलिटी होती है तो सरकार उसके लिए व्यवस्था भी कर सकती है कि कितने लोग उस यात्रा में गए हैं और कितनी हमको मान लीजिए रसद की आपूर्ति करनी हुई या खाद्यान्न आपूर्ति करना हुआ, या मान लीजिए हॉस्पिटल कुछ बीमार हो जाते हैं
तो कितने बीमार हुए, तो इन सब के बारे में व्यवस्था करने के लिए अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो अच्छी बात है। चलिए अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं और लखनऊ से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से एक्शन मोड में सरकार देखी जा रही है। आपको बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में 14 अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कई लोगों को सौगातें दी गई हैं। लेकिन कौन कौन सी ये सौगातें हैं और किस तरह से ये सौगातें हैं और जो ये सौगातें दी गई हैं, इस पर आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, देखिए। नियमों का पालन सख्ती से ही होना चाहिए, प्यार से या मोहब्बत से नहीं होते ये काम। और जो भी कर रही है योगी सरकार, ये एंक्रोचमेंट के, एम्प्लॉयमेंट के, ये सब जनता के हित में है। ऐसा नहीं है, पिछली बार कुछ प्राकृतिक ऐसा प्रकोप हुआ, कोरोना हो गया, बाढ़ भूकंप वगैरह बहुत आए, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई सरकार। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, अब सरकार का पूरा ध्यान है इस तरफ, रोजगार मुहैया करा रही है सरकार। और समय लगेगा, देखिए कोई भी काम है होने में उसमें समय लगता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, चेक कड़ाई से ही कर रही है। यदि किसी घर का मुखिया भी केड़ा होता है, वो ही घर अच्छा चल पाता है। इसलिए सरकार का केड़ाई से पालन करना या नौकरी देना भी अच्छी तरीके से तभी होगा जब सरकार अच्छे काम करे। हाँ, मंजूरी मिली है, ये भी अच्छी चीज़ उन्होंने दिए हैं। और आगे जो है, मैं तो ये भी कहूँगा कि इन शिक्षकों की जो नौकरी है वो तनख्वाह कम कर दी जाए, ये अपनी जगह काम सही नहीं करते हैं। खुद इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इनकी तनख्वाह यदि 60,000 दी जा रही है तो इनकी तनख्वाह 20,000 कर दी जाए। अंदर की आंतरिक सुरक्षा है, उसके लिए पुलिस भर्ती भी अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा निकलनी चाहिए, लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। और क्या नाम है, थोड़ा सा बीच के जो लोग हैं, जैसे क्या नाम है, छोटे जो लोग हैं उनको तो क्या नाम है, ये 5 लाख का बीमा मिल रहा है, बीच के लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए। जो टैक्स लोग पेयर हैं, टैक्स पैसे देते हैं, उन्हें भी 5 की जगह 6 लाख 10 लाख कुछ तो मिलना चाहिए। अब गरीब आदमी को तो सब चीज़ मिल रही है, बीच के लोगों को कुछ नहीं है, वो टैक्स में पैसा देते हैं, उनको भी कोई ना कोई सुविधा सरकार दे जल्दी से जल्दी। इसमें सोचने वाली बात कुछ नहीं है, जब से योगी सरकार ने दोबारा उत्तर प्रदेश में अपना सरकार को रिपीट किया है, तब से योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये होता है कि गरीबों के लिए सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल महंगा है, उसके लिए योगी सरकार क्या कदम उठा रही है। दूसरी बात, बेरोजगारी इतनी है, उसके लिए सरकार कैसे काम करेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आगे इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को लेके योगी सरकार कुछ ना कुछ सोचेगी और गरीबों के हित के लिए काम करेगी। टू योगी सरकार है, दोबारा निर्वाचित होकर आई है और लोगों की जो आकांक्षाएं उन्हें पूरा करने के लिए पिछली बार के लिए लोगों ने क्या सोच के वोट दिया, पिछली बार इनकी सरकार रही लेकिन इस बार और वोट दिया है इन्हें, इस बार इन्हें आकांक्षाएं पर खरा उतरना चाहिए। और ये भटका रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और गरीब आदमी का मुद्दा है। ये भटकाने का मुद्दा ये नहीं है कि मस्जिदों में हनुमान चालीसा हो, मंदिर भी वहीं रहेंगे, मंदिर भी वहीं रहेंगे, लेकिन ये भाईचारे का संदेश है। सरकार अपना काम करे, मुद्दों से ना भटकाए, महंगाई पर ध्यान दे, बेरोजगारी पर ध्यान दे, आम गरीब पर ध्यान दे, जिसके लिए इन्होंने वादे करे हैं, जो 5 साल में इन्होंने वादे करे हैं, उन वादों को ध्यान में रखकर काम करे सरकार और जनता इनके साथ है, नहीं तो अगली बार जनता कुछ ना कुछ सोच सकती है। चलिए अब आपको पंजाब लिए चलते हैं और भगवंत मान किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़ी घोषणा की गई थी कि 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो उस पर काम होता हुआ अब नजर आएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल को मद्देनजर रखते हुए भी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए। जी, ये साढ़े लिए पहली गारंटी हैगी आम आदमी पार्टी की, जो साड़ी महिलावां लई खासकर बहुत तो वड्डा एक तोहफा आ, क्योंकि जदों बिजली का बिल आता सीगा, जिदा तुहानू पता है पहलों साड़ी 10 रुपए यूनिट बिजली सी, तो उहदे नाल किते घर की जिहड़ी व्यवस्था सी उह डगमगा जांदी सी और खर्चा जिहड़ा सीगा साडा बैलेंस करना बहुत औखा सीगा। हुण साडा उही 300 यूनिट बिजली का जिहड़ा बिल हैगा उह माफ होया, उह साडी बचत ही होएगी। देखो, ये पहले उन्होंने दिल्ली के किया 200 यूनिट फ्री, और चाहे मिडिल क्लास आ, चाहे अमीर आ, चाहे कोई करोड़पति आ, वो सारे वर्ग लिए इक्वल आ, तो पंजाब ले भी वो इक्वल ही आ। बहुत खुशी की गल, किसी सरकार ने तो गरीब आदमी नहीं सुनी, अज तक सरकार झूठ बोलदियां आई हैं,
किसी नूं किसी गरीब आदमी नाल कोई लेन देन नहीं सी। असीं बड़े धन्नवादी हाँ ये सरकार दे जिन्होंने अपनी कही पहली गरंटी अज पूरी करन दी कोशिश की है ते लोकां नाल कीते वादे पूरे किए है। गरीब आदमी नूं आस सी होना ही गरीबां नूं फायदा है, नहीं तो एक टिपिकल वर्ग नूं जां एक लीडरां नूं फायदा पहुँचाने लई खेतीबाड़ी दी फ्री दित्ती जांदी सी। उहदे नाल आम जनता नूं गरीब आदमी नूं रिक्शे वाले नूं किसी नूं कोई बेनीफिट नहीं सी, इन्होंने हरेक वर्ग को बेनीफिट दिता है, यही लोग आस करते। देखो ये गरंटी जी तुसीं अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के हित वास्ते दी सी, ये लोगों के हक वास्ते जो किया उन्होंने लोगों की गरंटी वास्ते पूरा काम किया है। जो बिजली का जो लोगों को वादा किया वादा नहीं गरंटी सी, गरंटी भी पूरा कर दिता, लोगों के हित वास्ते खड़े हुए थे। जिस तरह दिल्ली में सरकार ने पूरा काम किया उस तरह साड़ी सरकार बनते सारे लोगों के कामों में रुझ गई सी, और साफ तौर पर मंत्री साहब ने और साढ़े मुख्यमंत्री जी ने मंत्री सारे हिदायत देती सी कि 24 आवर्स तुम कम करना है वा, ठीक है, वो कम के आधार पर सानू लोगों जाना है पर ना कि फालतू कामों से जाना है ना। तो उस आधार के उपर अज अरविंद केजरीवाल जी पहली गरंटी दी सी 300 यूनिट माफ बिजली लोगों वास्ते वो अज पूरी कर जा रहे हैं। सो उन्हें दिलों धन्यवाद करते अरविंद केजरीवाल जी का भी जिन्होंने आम लोगों की जिहड़ी एक बहुत वड्डी जेब डाका पैंदा सी बिजली का उन्होंने घटाने के वास्ते अपना एक योगदान दे रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद करता अरविंद केजरीवाल जी का जिन्हें 300 यूनिट लोगों वास्ते माफ़ की हैगी है। सो देखो आम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होया, जिन्होंने जेडे नहीं दे सकते उन्होंने तो उन्होंने सुनहरी एक लैटरी निकली हैगी आ, जो आम पार्टी ने वादे किए थे उन्होंने पूरा करके दे दसिया हैगा। नहीं तो पहला लोग ये कहते कि आम पार्टी बन गई है, उन्होंने नहीं बिजली यूनिट माफ़ करनी हैगी आ, अज उन्होंने साढ़े CMO ने माफ़ करा के सानू एक बहुत अच्छा तोहफा दिता आ। चलिए अब आपको ये चलते हैं राजस्थान, और राजस्थान की भी सैर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनावों को अभी 1.5 साल है लेकिन गहलोत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गई है। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है जिसमें महिलाओं को फ्री टैबलेट देने की बात कही गई, मोबाइल फ़ोन देने की बात कही गई। कहीं आप देखिए कि महिलाओं के साथ साथ यहाँ आम जनता को रुझाने की कोशिश तो नहीं है, अगर है तो आम जनता क्या कुछ कह रही है देख। बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हो और यहाँ भौतिक सुविधाएं जैसे पानी, सड़क, बिजली और इनके अलावा हर जगह पे जैसे जालौर, पाली और पूरे राजस्थान भर में दलितों के साथ में महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको ये रोक नहीं पा रही है, और थोती घोषणाएं करके और जैसे तैसे 2023 में इनके अंतर्कलह को तोड़ते हुए ये चाह रहे कि वापस हमारी सरकार बने, पर ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि आज भी आप सड़कें देखो, पानी की व्यवस्थाएं देखो, अभी भी बिजली की कटौती करीबन 4-4 घंटे बिजली कटौतियां गाँव में हो रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सरकार आज तक हमने कभी देखी नहीं है। और ये स्मार्टफोन वगैरह हर घर में आजकल फ़ोन है, फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं थी, इनको भौतिक सुख सुविधा किस प्रकार से हम दी जाए ऐसी कोई करना चाहिए था ताकि हम लोग और आम जनता और महिलाएं सुरक्षित रहे। जैसे हम प्रदेश में इतनी घटना अप्रिय घटना सुनने को मिलती है, जैसे तो प्रदेश सरकार बिल्कुल फ्लॉप है एकदम, और रही बात व्यापारियों की तो व्यापारियों को भी इतना कोई इतना वो नहीं तवज्जो नहीं मिल रही जितना मिलना चाहिए रबर के नहीं, और इधर गुंडा लूटपाट बजरी बजरी इतना लूटपाट से गुंडे घूम रहे गाड़ियों में कहाँ कहाँ से क्या पता किधर से लाते, दुनिया भर का टैक्स 1500-1500 रुपया वो बजरियों का लेते, इतना पूरी जनता परेशान है इनसे और ये उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। और इनसे महिलाओं की तो बात छोड़ो, महिलाओं का तो ऊपर आप अत्याचार बलात्कार के कितने हो रहे रोज के, उसके कितने अपने समाचारों में सुनाई देते हैं, आजकल सोशल मीडिया सबको सब कुछ सुनाई देता है, कोई आजकल वैसा नया नहीं है, कोई अनजाना नहीं है, सब सब चीज हर चीज़ से परिचित है। और इसमें पूरी तरह से प्रदेश सरकार के जो तीन साल हुए पूर्ण उसमें पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है ऐसा है, और उसमें कोई व्यापारियों को महत्व नहीं है, नहीं कोई आम आदमी का कोई महत्व नहीं है इसमें, सब कहने का मतलब कुछ प्रदेश में समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अंधेरी नगरी सौभर राजा वाला खेल ओवर गया। बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसके हिसाब से काफ़ी तो योजनाएं क्रियान्वित में आ चुकी है, और ये अब जून से आपके चिरंजीवी योजना के जो भी हेड है, मुखिया हैं, औरतें उन सबको 1.5 करोड़ लगभग है मुखिया परिवार, उनको दिए जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छी योजना है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। और यो मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाएं गरीब के लिए हो, किसान के लिए हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सभी के लिए बहुत ही बढ़िया और एक सराहनीय पहल है,
अब जैसे देखिए कि जोड़ने वाले तो इसको चुनावों से जोड़ेंगे, लेकिन फ़ायदा एक होना ही होना है। धरातल पे इसकी क्रियान्विति होगी और लोगों को इसका 100% श्योर कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। बजट सत्र में कि ये केवल ये दिखावा है और लोगों को गुमराह करके इनको अगली बार वापस चुनाव में आने के लिए ये केवल कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसमें हकीकत में कुछ नहीं है। और जो स्मार्टफोन है इसकी महिलाओं को आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हर एक के पास में स्मार्टफोन है। और फिर ये लोगों को लुभाने के लिए ये तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं और हकीकत से ये काफ़ी मीलों दूर है। और एन कैन प्रकार से केवल इनको चुनाव जीतना है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप सब ने भी इनका कार्यकाल देखा होगा, इन कार्यकाल के अंदर इन्होंने क्या किया है, लोगों को क्या सुविधा दी है। अपने पड़ोसी राज्य के अंदर आज पेट्रोल डीजल क्या भाव है और अपने यहाँ क्या भाव है, और इन्होंने कितना सारा वेट लगा रखा है जिससे इनसे लोग त्राहित है। और आने वाले समय के अंदर अशोक जी गहलोत का सुपड़ा सब हमारी जनता कर देगी और इनके बहकावे में आने वाली है नहीं है। मतलब ये लोगों को बहकावे में लाने के लिए कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को इस मोबाइल से। हर लोगों के घर में 2-3 मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और इस मोबाइल से तो कुछ फ़ायदा होने वाला ही है नहीं। जो काम करना है वो तो कर नहीं रहे हैं। मतलब महिला के ऊपर अत्याचार कितने हो रहे हैं, मतलब बलात्कार वगैरह ऐसा बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसमें तो कुछ काम करना है नहीं इनको। कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई है, उससे कुछ नहीं होने वाला उनसे, तो क्या करना बोलो आप। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप कानून व्यवस्था पे ध्यान दें ज़्यादा, और ये स्मार्टफोन वगैरह ये तो छोड़ ही दें, इनसे तो और मतलब फालतूगिरी बढ़ेगी, इसमें कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं महिलाओं को। चलिए अब आपको हरियाणा लिए चलते हैं और हरियाणा से दिखा देते हैं कि सरकार किस तरह से एक्शन में है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। और अब आपको ये भी बताते चलें कि कई ऐसे इलाके हैं हरियाणा के अंदर जहां पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन उस पर आम जनता क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही है, देखिए। जिस तरह से कोरोना के रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार गंभीर भी है, लेकिन जिस केवल चार जिलों में जो मास्क लगाना अनिवार्य किया है, मेरे हिसाब से ये सारे हरियाणा में होना चाहिए। और जो भी सरकार की हिदायतें हैं आम जनता को भी उसको फॉलो करना चाहिए, तभी इस संक्रमण से बचा जा सकता है। अभी देखो, अभी इतने केस तो है नहीं कह सकते, बाकी सख्ती जो अगर कुछ तादाद बढ़ती है तो सख्ती होनी चाहिए और ज़रूरी भी है। लोगों को जागरूक तो समय समय पर सरकारें तो करती हैं, लेकिन लोगों को खुद भी समझना होगा कि हम किस तरह से इन तरह की बीमारियों से बचा जा सके, जो कि बहुत संगीन और इस तरह की घातक बीमारी है जो एक परिवार को क्या पूरे समाज को लेकर डूब सकती है। नहीं, सख्त होना चाहिए, लोगों के हितों के लिए ही सरकार अपना कोई फैसला लेती है। अब कोरोना काल को देखकर महामारी पिछले दौरान हुई थी, पुलिस सख्त हुई थी, पुलिस को लोग बदनाम कर रहे थे, लेकिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमारी सुरक्षा का सवाल है और हमारे हित के लिए काम कर रही है, जनहित में पुलिस ने काम किया है। और इसी आधार पर जब कोरोना संक्रमण के लोग मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी पहले सरकार की भी ठीक है, इस पर नियंत्रण किया जाए और लोगों को दिशा निर्देश भी सरकार दे रही है। एक तो जो है मास्क है, ये स्कूल में जो सेंटर बने हैं इनमें बच्चे लगा नहीं रहे मास्क, इनमें ना तो कोई टीचर लगा रहे हैं ना ही कोई बच्चे लगा रहे मास्क, तो इससे बच्चों के हेल्थ के लिए मतलब नुकसान है। आगे चल के कोई सेंटरों में कोई मास्क लगा नहीं रहा है, और ये और भी पब्लिक लगाने रही है, सेंटरों पे भीड़ होती है, बच्चे बहुत आते हैं, हज़ारों में आते हैं एक एक सेंटर पे, हमने देखा सेंटरों पे कोई बच्चे लगा नहीं रहा मास्क, तो लोग बहुत ही सीरियस मतलब सीरियस बहुत कम ले रहे हैं। लोगों को जी एक तो अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, सरकार कहे या ना कहे खुद अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगाना चाहिए, और जो सरकार ने नियम लागू कर रखे वो अपनाने चाहिए, और अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। जहाँ तक देखने को मिल रहा है मार्केट में कोई मास्क ज़्यादा जरूरी समझ नहीं रहा है, कोई लगा नहीं रहा है, पर ये बीमारी अभी दोबारा फैलने की शंका लग रही है इसकी। जो चार जिलों में हरियाणा सरकार ने कोविड को लेकर देखते हुए मास्क अनिवार्य किए, बाकी जनता सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि खुद जनता को ये महसूस हो कि ये जो बीमारी है बड़ी गंभीर है, और इसको देखते हुए किसे मार्केट जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने, जहाँ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने कि इस जगह पर, और थोड़ा सा ये कि जहाँ पर जैसे हाथ ना लगाना, कहीं छूना, ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें,
और सरकार जो कर रही है कि हम चार जिलों में किया है, बाकी और भी जिले हैं धीरे धीरे फैलेगा, क्योंकि शहर जहाँ पर है जल्दी फैलता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ मार्केट होती है, बहुत लोगों का आना जाना रहता है तो जल्दी फैलता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये है कि थोड़ी पाबंदी और सरकार द्वारा लगी जाए जिससे भाई कोविड रुक सके। और चलिए, तो फिलहाल मन की बात कार्यक्रम में हर राज्य के अंदर से आम जनता को क्या क्या समस्याएं यहाँ पर पेश आ रही हैं वो आपको दिखाई गई, क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने कहा है वो भी आपके सामने रखा गया। लेकिन कहीं पर विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं सरकारें, और कहीं पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं लेकिन जो दावा पेश किया गया है उस पर काम चल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि आम जनता के साथ जो दावे पेश किए गए थे उस पर जमीनी सतह पर कितना काम हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।